ऑलराइट, ये जो वीडियो होने वाला है इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप देख रहे हो दोस्तों, लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप इट इज गोइंग टू बी। दोस्तों 2020 में हमने एक वीडियो किया हुआ था जहां पे बताया था कि भाई डेस्कटॉप क्यों लेना चाहिए, लैपटॉप क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। अब 2022 में वही सिचुएशन है। ये वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल जो है जो सोच रहे हैं कि मैंने डेस्कटॉप लेना चाहिए या लैपटॉप। प्रैक्टिकली आपको सब कुछ बताने वाला हूं, सब कुछ दिखाने वाला हूं एंड एंड में बताने वाला हूं किसने लैपटॉप लेना चाहिए, किसने डेस्कटॉप लेना चाहिए। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो जो है शेयर करना मत भूलिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो सोच रहे हैं कि उनको लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदना है। दोस्तों आजकल बहुत सारे लोगों का मानना है कि लैपटॉप में जो है पावर इतनी हो गई है कि वो डेस्कटॉप के पास में आ गए हैं, दे आर नियरली इक्वल। उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पोर्टेबिलिटी के बारे में। जी हाँ, इफ यू लुक एट इट, ऑब्वियसली दिस इज पोर्टेबल, कहीं पे भी लेके जा सकते हो, घूम सकते हो, बाहर भी लेके जा सकते हो। सो दैट इज अ बिग एडवांटेज। पोर्टेबिलिटी अगर आपको इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली दोस्तों लैपटॉप ही है। बट देन पोर्टेबिलिटी सब कुछ नहीं होती है दोस्तों, परफॉर्मेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस इनफैक्ट मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप मशीन लेते हो दोस्तों, आपको उसमें परफॉर्मेंस चाहिए एंड लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। अब उस मामले में क्या डेस्कटॉप अच्छा है या लैपटॉप, अगर आप प्राइस टू प्राइस कंपेयर करोगे, मतलब आपने एक 30,000 रुपए का डेस्कटॉप लिया है, 30,000 रुपए का लैपटॉप लिया, तो 99% ऑफ द टाइम्स डेस्कटॉप विल विन, उसका परफॉर्मेंस हमेशा ज्यादा अच्छा होगा। और ऑब्वियसली दोस्तों बहुत सारे रीजंस है उसके। पोर्टेबिलिटी जो होती है ना, इट कम्स एट अ कॉस्ट। जी हाँ, जो कुछ इस बड़े बॉक्स में है वही आपको इस छोटी सी जगह में मिलता है। जी हाँ, आप स्टोरेज के पास देखिए, अब ये जो है ये है हार्ड डिस्क, ये है बैटरी। Yes, this one does not need a battery. उसके बारे में भी बात करने वाले हैं और बताने वाला हूं क्यों important है battery. अगर मैं बात करूं फैन के बारे में, इसका फैन देखिए दोस्तों और इसका फैन देखिए। So cooling अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब performance obviously ज्यादा देगा। Thermal जो है, अगर laptop गर्म हो जाता है तो उसका जो performance है drop हो जाता है। Not with a desktop. Desktop में बड़े fans होते हैं जो इसे ठंडा ठंडा cool रखते हैं और उसकी वजह से performance ज्यादा अच्छा मिलता है आपको। Storage laptop में generally 2.5 inch का होता है and desktop में अगर आप देखोगे तो it is 3.5 inch, थोड़ी बड़ी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सीपीयू के बारे में बात करूं दोस्तों, ये Ryzen सीपीयू है, ये डेस्कटॉप में इस साइज का होता है जनरली, बट अगर लैपटॉप में आप देखोगे इसके नीचे देखिए कितना छोटा सीपीयू है। सो पावर ऑब्वियसली आपको डेस्कटॉप में मिलने वाली है, बेसिकली फिजिक्स है दोस्तों, कम जगह है तो कम ट्रांजिस्टर्स बैठते हैं तो कम परफॉर्मेंस मिलता है। एंड कूलिंग भी वैसे ही है, अगर छोटा फैन है तो हवा कम देगा, ठंडा कम करेगा, बट नॉट विद दिस, लुक एट दिस। और परफॉर्मेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्राफिक्स कार्ड। जी हाँ, आपको इंटीग्रेटेड भी मिलते हैं, डेडिकेटेड भी मिलते हैं लैपटॉप के अंदर, बट ये ग्राफिक्स कार्ड छोटे होते हैं। अगर आप डेस्कटॉप के ग्राफिक कार्ड देखोगे तो ये देखिए, ये पूरा एक ग्राफिक्स कार्ड है, GeForce RTX। और डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? जी हाँ, जो ग्राफिक्स रेंडरिंग होती है हमेशा आपके स्क्रीन के ऊपर, वो उसकी वजह से होती है, एंड इट इज मच 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 बेटर ऑन अ डेस्कटॉप। अब दोस्तों हमने ये लैपटॉप तो ओपन कर दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है आपके लैपटॉप के साथ और अगर आप खोलते हो घर पे, वारंटी वॉइड हो जाती है। इसके साथ ऐसे कुछ नहीं है, आप असेंबल कर सकते हो, डिसअसेंबल कर सकते हो, जो चाहिए वो कर सकते हो, वारंटी वगैरह जनरली वॉइड नहीं होती क्योंकि ये असेंबल्ड मशीन्स होते हैं। और एक चीज, अपग्रेडेबिलिटी। जी हाँ, आप जब एक लैपटॉप लेते हो या डेस्कटॉप लेते हो, 50,000-60,000-1,00,000 रुपए खर्चा करते हो, यू वांट टू यूज इट फॉर एटलीस्ट 4-5 years। अब उस मामले में एक बार आपने लैपटॉप ले लिया तो उसे एक्सटेंड करना मुश्किल होता है। जी हाँ, जनरली रैम वगैरह जो है सोल्डर्ड होती है, तो आपको 16 GB 8 GB की का लैपटॉप आपने लिया तो उसी पे आपको काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज सोल्डर्ड रैम है, एड नहीं कर सकते हो, नॉट विद दिस वन। वो सिर्फ एक बात नहीं है, आप एडिशनल रैम वगैरह स्टोरेज वगैरह एड कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ऐसे भी हो सकता है कि आपको सस्ते में कोई अच्छा ग्राफिक्स कार्ड मिल गया है, पुराना वाला निकालिए नया डालिए एंड यू कैन डू दैट। मतलब हर जगह पे ये प्लग एंड प्ले होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स आप डाल सकते हो, सो बहुत इजी होता है मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, अपग्रेड के लिए। द सेम डज नॉट होल्ड ट्रू विद अ लैपटॉप। अब दोस्तों डेस्कटॉप की तो बहुत तारीफ कर दी, लेकिन ये छोटा फॉर्म फैक्टर होने का बहुत एक बड़ा फायदा है। जी हाँ, सब कुछ छोटे से फॉर्म फैक्टर में तो मिलता ही है, लेकिन एक साथ होता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब अगर आप टेक फील्ड में नहीं हो, आप नोवाइस हो एकदम, लैपटॉप ले लिया भाई, काम हो गया, चल रहा है ठीक तरह से, हाँ एक्सपेंडेबल नहीं होगा, परफॉर्मेंस उतना नहीं देगा, लेकिन आपको टेंशन किसी भी चीज का नहीं है, जस्ट ओपन कीजिए एंड स्टार्ट इट, स्टार्ट वर्किंग। अब दोस्तों ये सिर्फ सीपीयू है। जी हाँ, इसमें आपको कीबोर्ड, डिस्प्ले सब मिलता है साथ में, नॉट विद दिस वन। जब आप असेंबल करते हो, आपको मशीन असेंबल करना होता है, कीबोर्ड लेना होता है, डिस्प्ले लेना होता है, लेकिन उसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। लैपटॉप में जो कीबोर्ड आया वही इस्तेमाल करना है, जो डिस्प्ले आया वही इस्तेमाल करना है,
रहा है, नॉट विद दिस वन। 24 इंचेस, 27 इंचेस, ओलेड डिस्प्ले, 32 इंचेस, जो चाहिए वो आप ले सकते हो आपके बजट के हिसाब से। एक्सटेंसिबिलिटी के मामले में या फिर आपको जो चाहिए वो देने के मामले में डेस्कटॉप ज्यादा अच्छा है, बट पीस ऑफ माइंड के लिए लैपटॉप अच्छा है। अब दोस्तों एक चीज के बारे में बात करते हैं, पावर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी। ये जनरली कोई बात नहीं करता है, बट आई टेल यू व्हाट, लॉन्ग टर्म में डेस्कटॉप इतना भी वैल्यू फॉर मनी नहीं होता है, बिकॉज ये कंज्यूम बहुत ज्यादा करता है इलेक्ट्रिसिटी। जो इसका पीएसयू होता है, पावर सप्लाई यूनिट, दैट इज अराउंड 550 वॉट या फिर 650 वॉट का होता है। दिस वन इज 60 वॉट, मतलब पावर कंजम्पशन जो है वो 1/10 करता है एक लैपटॉप। Whereas this one, over a period of time, आप electricity units जो है उसके cost count करोगे तो प्राइस इसकी बढ़ती है। और हाँ, इंडिया में है हम, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता नहीं है, तो UPS वगैरह इसके साथ लेना पड़ता है, क्योंकि लाइट चली गई मशीन बंद हो गया। और अगर आपने UPS वगैरह साथ में नहीं लिया और बार बार लाइट जा रही है, इट कैन अफेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स, अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं मदरबोर्ड या फिर हार्ड डिस्क, ये फेल हो सकते हैं, तो वो एक बड़ी रिस्क होती है। इसीलिए UPS हमेशा आप इस्तेमाल कीजिए एक डेस्कटॉप के साथ। लैपटॉप में वो कोई टेंशन नहीं है, लाइट गई कोई प्रॉब्लम नहीं, बैटरी अंदर ही है दोस्तों, चलते रहेगा, आपका काम चालू रहेगा। अब इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि लाइफ किसकी ज्यादा है, और ये मैंने इसके बारे में बात की है। अगर आप मुझसे पूछोगे, डेस्कटॉप विल गिव यू मोर लाइफ। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा उस हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि आप एक बार पैसा डालोगे और डेस्कटॉप लोगे, मे बी 50,000-1,00,000, और आप 4-5 साल इस्तेमाल करोगे। ये जो लैपटॉप्स होते हैं, क्योंकि आप उसे एक्सटेंड नहीं कर पाते हो, तो लैपटॉप्स की लाइफ जो है इट इज़ अराउंड 2-3 ईयर्स, 3-3.5 ईयर्स। उसके बाद में आपको लगेगा कि यार ये लैपटॉप बहुत स्लो हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, तो आपको नया लेना होगा, तो उतना याद रखें। और अगर रीसेल के बारे में बात करूं, जी हाँ, आप इसको डिसअसेंबल करके एक एक कंपोनेंट भी बेच पाओगे, या पूरा यूनिट आपने बनाया हुआ है, अच्छा रिग है, आप वो बेच पाओगे। बट विद दिस जो है वही बेच पाओगे, 3 साल के बाद आपको बेचना है जो 3 साल पहले आपने खरीदा हुआ है, एंड ऑब्वियसली कॉस्ट आपको उतनी नहीं मिलने वाली है। तो अगेन रीसेल में मैं कहूंगा डेस्कटॉप विंस। दोस्तों अगर आप बहुत सारे एक्सेसरीज वगैरह आपको इस्तेमाल करने हैं आपके कंप्यूटर्स के साथ, आपको हेडफोन चाहिए, आपको कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर स्पीकर्स वगैरह हैं आपके पास, देन डेस्कटॉप में उतने पोर्ट्स होते हैं। जनरली साइज की वजह से दोस्तों लैपटॉप्स में हार्डली 2 या 3 USB पोर्ट्स आपको मिलेंगे, एक HDMI पोर्ट होता है और कुछ नहीं। नॉट विद दिस वन, आप पीछे की तरफ अगर देखोगे 6 USB पोर्ट्स है, 2 HDMI पोर्ट्स है, RJ45 है, एंड ऑडियो वीडियो के लिए ग्राफिक्स कार्ड है, तो उधर ही आपको ऑडियो जैक इन आउट वो सब मिलता है, सब कुछ, मतलब जो भी आपको चाहिए सब पोर्ट्स मिल जाते हैं। वेयर इज ऑन अ लैपटॉप यू डोंट गेट एनीथिंग, हार्डली एनीथिंग। इनफैक्ट आपने अगर एप्पल के कंप्यूटर्स वगैरह ले लिए तो एक ही पोर्ट मिलेगा, 1 या 2, सोचिए 3.5 mm जैक भी नहीं होता है उसके अंदर, माई गॉड। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर मैं इन दी एंड समराइज करके सब कुछ बोलूं, अगर पोर्टेबिलिटी, मतलब आप कॉलेज स्टूडेंट हो और कॉलेज में भी आपको लेके जाना है, तो लैपटॉप इज द ओनली ऑप्शन, डेस्कटॉप आप सोचिएगा भी मत। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूज केस है जहां पे स्टूडेंट्स ही बहुत सारा गेमिंग करते हैं, देन इट इज डेस्कटॉप। आपको परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज डेस्कटॉप। अगर आपको एक्सपैंड करना है, अभी आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है और धीरे 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 जब पैसे आएंगे वैसे वैसे अपग्रेड करना है मशीन, देन इट इज डेस्कटॉप। लेकिन अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए, ये सब चीजें आपको करनी नहीं है, आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, देन लैपटॉप। लेकिन पोर्ट्स वगैरह चाहिए तो डेस्कटॉप। तो 2-3 चीजें ऐसी है स्टूडेंट्स के लिए जो टेक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उन्होंने लैपटॉप लेना चाहिए। पोर्टेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लैपटॉप ही लीजिए, दूसरा कुछ सोचिएगा भी मत। बट फॉर एवरीथिंग एल्स, ये जो बड़ा भाई है, बिग ब्रदर है ना, उसे आप प्रिफर कीजिएगा। मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस के मामले में वैल्यू फॉर मनी भी डेस्कटॉप ही ज्यादा होता है रादर देन लैपटॉप। आप क्या प्रिफर करोगे, मुझे ये जानना है कि आप में से कितने लोग लैपटॉप लेंगे, कितने लोग डेस्कटॉप लेने वाले हैं, जरूर ये बताइएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम आपके लिए एक पीसी बिल्ड ला रहे हैं, तो हमने कौन सा पीसी बिल्ड करना चाहिए, 30,000, 50,000, 70,000, 1,00,000, कौन सा पीसी बिल्ड आप देखना चाहोगे, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, लेकिन एक चीज करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लैपटॉप या डेस्कटॉप के बारे में सोच रहे हैं खरीदना, डू दैट। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।